गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे सपाइयों को पुलिस ने नजरबंद किया। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथरस गैंगरेप की पीड़िता वाल्मीकि के परिजनों से मिलने हाथरस जा रहे थे। लखनऊ से भी समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने आ रहा था। उसी डेलीगेशन के साथ मथुरा से सपा नेता हाथरस जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थाना हाईवे पुलिस ने घर पर ही नजरबंद कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तानाशाही पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री सपा कार्यकर्ताओं से इतना भयभीत है कि घर से भी निकलने नहीं दिया रहा। हमको घर से निकलने के साथ ही पुलिस ने रोक दिया। घर से आगे बढ़ने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। जब निर्भया देश की बेटी हो सकती है तो हाथरस की बेटी क्यों नहीं। देश की बेटी के साथ जो भी घटना हुई है उसके परिवार के साथ हम लोग दुख बांटने के लिए जा रहे थे, साथ ही अपनी संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। पुलिस गुंडई पर उतारू है। पुलिस ने घर से निकलने से पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया और घर के अंदर ही नजर बंद कर दिया। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। आपके यहाँ रोका गया है पुलिस बल के द्वारा, क्या कारण? समाजवादी पार्टी का आज हमारा प्रदेश नेतृत्व के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर डेलीगेशन हाथरस आ रहा है। हम लोग भी तमाम समाजवादी साथी हाथरस मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अपना दुराचार और जो घटना हुई है उसको शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए और अपने डेलीगेशन में सम्मिलित होने के लिए हम लोग जा रहे थे। अभी हम घर से निकल रहे थे लेकिन पुलिस इस तरह गुंडई और तानाशाही पे है। योगी आदित्यनाथ समाजवादियों से इतना डरते हैं कि हम लोगों को घर, हम सुबह अभी निकलने प्रयास होते तो घर पुलिस खड़ी है तो घर से नहीं निकलने देने, बताइए। अरे किसी के साथ कोई घटना हुई है, हम शोक संवेदना व्यक्त करने तो किसी के भी जा सकते हैं। आज हम जा रहे थे उस परिवार के साथ में दुख व्यक्त करने के लिए। हमारे एक तरीके से वो हमारे देश की बेटी है। जब निर्भया देश की बेटी हो सकती है तो मनीषा भी देश की बेटी हो सकती है। तमाम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसने अत्याचार पर उतर आई है कि एक कंगना है, कंगना को बेटी मान रहे, उसको 22 श्रेणी सुरक्षा दे रहे हैं, और एक बेटी है जो दूसरी बेटी है वाल्मीकि समाज से, उसको तुम सुरक्षा तो छोड़िए, जिन्होंने अपराध किया उनको, उन्हीं को उल्टा सुरक्षा आप दे रहे हो। तो हम लोग जा रहे हैं और हाथरस में जाएंगे, हमें ये रोक नहीं रोक पाएंगे। लोग कितना भी ये प्रयास कर ले, हम हाथरस जाएंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार है लोगों से मिलना। हम कोई अपराधी नहीं है या कोई हम अराजकता नहीं फैला रहे हैं या कोई हम धरना नहीं कर रहे हैं। अपनी गाड़ी में बैठ करके 5 लोग हम जा रहे हैं और हम लोगों को बताओ घर से नहीं निकलने दे रहे लोग। तो ये एक तरीके से 100% तानाशाही है और पुलिस के दम पे जो गुंडागिर्दी चल रही है उत्तर प्रदेश में इस समय, जहां आओ वहां पुलिस को आगे कर देते हैं। अरे हमारे संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है कि हमें अपनी बात रख सकते हैं, धरना कर सकते हैं, लेकिन हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज उस परिवार के साथ हमारे पूर्व महासचिव वीरेंद्र यादव जी हैं, तमाम सह मुन्ना हैं, गुड्डू हैं, ब्रिजपाल यादव जी हैं, तमाम 500 साथियों के साथ हम जा रहे हैं लेकिन अब जाने नहीं दे रहे हैं।